हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हमारा तीसरा पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, यूपीटीएससी, बीईओ और लेखपाल को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोज़ आपको हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, रायसेना डायलॉग किस शहर में शुरू किया गया है? तो देखिए, यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में और रायसेना डायलॉग का यह 5वां संस्करण था। अगर हम बात करें नई दिल्ली की, यानी कि दिल्ली की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है वर्तमान में अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, तो यह भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसको RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया और यह नियुक्त किया गया देवव्रत पात्रा को। अगर गवर्नर की बात करें तो देखिए, अभी वर्तमान गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये क्रम आप ध्यान रखेंगे, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं बांग्लादेश के ने एक साथ मिलकर किस फिल्म के निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह इस फिल्म का नाम है बंग बंधु, और बंग बंधु मुजीबुर रहमान ये कौन थे? ये बांग्लादेश के संस्थापक थे और प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। और उनकी 100वीं वर्षगांठ पे उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश ने मिलकर इस फिल्म को बनाने का घोषणा किया है, ठीक है। और देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्विस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस चीज़ से 18 कैरेट का सोने तैयार किया है? तो यह सोना तैयार किया है प्लास्टिक से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यानी कि प्लास्टिक वेस्ट से भी सोना तैयार किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अगले साल से किस पर हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो ये हॉलमार्क अनिवार्य किया है कि सोने के आभूषणों पर, अभी केंद्र सरकार ने सभी सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। तो यह भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को जो करेंसी मैनिपुलेटर की सूची से हटा दिया है? तो यह हटा दिया है चाइना को। तो चाइना को हाल ही में अमेरिका ने अपनी मैनिपुलेटर सूची से हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताइवान की किस महिला ने दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है? तो यह जीता है साई इंग वेन ने दोबारा से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है ताइवान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पूनम राउत को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशस्विनी योजना का शुभारम्भ किसने किया? तो अभी हमारे वर्तमान में कपड़ा मंत्री जिन्होंने अभी यशस्विनी योजना का शुभारंभ किया है, इसका जो शुभारंभ किया था गोवा में किया था, ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब से पूरे देश में लागू किया गया? तो 10 जनवरी 2020 से ये पूरे देश में लागू किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कानून है, इसके विरोध में काफ़ी जगह लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ स्टेट इसमें लागू नहीं करने का वो फैसला किया, किंतु उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले CAA को लागू करने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं? तो ये हमारे भारत देश के क्रिकेट के कैप्टन विराट कोहली ऐसे कैप्टन बने हैं जो 11,000 रन बनाने वाले सबसे पहले कैप्टन बन गए हैं, सबसे तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया रानी रामपाल, जो भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन हैं, इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर इनको इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये 10 जनवरी को, ठीक है। दोनों चीज़ को डिफरेंशिएट करके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2000
20 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है और जापान को इसमें नंबर वन रैंक मिला है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकपाल के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जस्टिस दिलीप बी भोसले ने अभी लोकपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी वर्तमान में हमारे लोकपाल कौन है, वो है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो यह भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पर ये बनाया जा रहा है। ऑप्शन में इसमें देखिए कि, और ये चिनाब नदी कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक भर्ती कॉपरेटिव के चेयरमैन किसे निर्वाचित किया गया? तो देखिए, कृषक भर्ती कॉपरेटिव इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, इन्हें ये चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सरकार 15 देशों की राजनयिकियों को किस राज्य के दौरा पर लेके गई है? तो देखिए, कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में धारा 300 आर्टिकल 370 को हटा दिया गया वहाँ से, और उसके बाद काफ़ी सारी पूरे विश्व में काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन आए, इसीलिए केंद्र सरकार ने 15 देशों के जो राजनयिकों को है उनको वहाँ पे वहाँ के हालात से वाकिफ कराने के लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर लेके गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जल जीवन हरियाली मिशन लागू करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है बिहार सरकार ने। ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन की लागू की है बिहार सरकार ने। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ की राजधानी है पटना, और यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और राज्यपाल है फागू चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रवासी भारतीय लोगों को देश से जुड़े रहने के लिए और वापस आने के प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस प्रसिद्ध शहनाई वादक ने के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो बिस्मिल्ला खां के नाम पर बिहार में एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध पुरस्कार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर कीर्ति भारती, जिन्होंने देश में पहला बाल विवाह को निरस्त किया था, और उनको जो है अभी यह अवार्ड दिया जाएगा, डॉक्टर कीर्ति भारती जिनको राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सबसे गर्म दशक कौन सा रहा है? तो देखिए, 2010 से 2010 से 2019 तक सबसे गर्म दशक रहा है, यानी कि 10 साल की अवधि में सबसे गर्म रही है रहा 2010 से 2019। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सूखाग्रस्त इलाकों में पानी के पीने का पानी को की बचत के लिए 10,000 ऊँटों को मारने की घोषणा की गई? तो यह राज्य, यह स्टेट है, यहाँ पे इनकी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर 10,000 ऊँटों की मारने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाडा ने किस वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो सरजीत कौर को नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उनको नाडा के द्वारा इनको दोषी पाया गया, और अब उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाल ही में नाडा ने अपना एम्बेसडर बनाया है, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिम्बाब्वे टेस्ट क्रिकेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिम्बाब्वे टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया? तो देखिए, सीन विलियम्स को जिम्बाब्वे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के नया कैप्टन बनाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएई ने कौन से नए वीज़ा लाने की घोषणा की है? तो ये 5 वर्षीय मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा लाने की घोषणा की है यूएई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रविंद्रनाथ माथो को झारखंड का नया अध्यक्ष बनाया गया। अभी हाल ही में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, अब उनको जो यहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया, रविंद्रनाथ माथो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान किन को प्रदान किया गया? तो ये नई दुनिया एवं मिड डे गुजराती इन मीडिया को ये सम्मान दिया गया, योग दिवस मीडिया सम्मान से। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ईरान की संसद ने किस सेना को आतंकवादी घोषित करने वाला बिल पास किया है? तो अमेरिकी सेना को
ईरान की संसद ने आतंकी घोषित करने का एक बिल पास किया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।